Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. आज हम बहुत ही इजी और क्विक टर्किश रोल बनाएंगे और इसे आज मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाऊंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। टर्किश रोल बनाने के लिए सबसे पहले हमें ट्रे को बटर से ग्रीस कर लेना है। मैं रेक्टेंगल ट्रे यूज़ करूंगी, आप चाहो तो स्क्वायर या कोई और शेप्स की ट्रे भी यूज़ कर सकते हो। बटर को हमें इस तरह से पूरी ट्रे पर इवनली स्प्रेड कर लेना है। अब इस पर हम हाफ कप जितना डेसिकेटेड कोकोनट डाल के इसे पूरी ट्रे पर फैला लेंगे। ट्रे को मैंने रेडी कर लिया है, अब इसे रखेंगे हम साइड में और क्विक वनीला पुडिंग बना लेंगे। वनीला पुडिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 500 ml मिल्क लिया है। इसमें से मैं 2-3 टेबल स्पून जितना मिल्क सेपरेट निकालूंगी और इसमें मैं 3 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर ऐड कर लूंगी। इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे साइड में रख देंगे। अब बाकी के बचे हुए मिल्क को हमें पॉट में डाल लेना है। अब इसे हमें पका लेना है। इसमें हम 1/4 कप पाउडर शुगर डालेंगे। शुगर आप अपने हिसाब से डालें। प्लीज़ प्रॉपर मेज़रमेंट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें, मैं हर रेसिपीज़ में वहाँ पर डाल देती हूँ। मिल्क में बबल आना स्टार्ट हो गया है। अब इस पॉइंट पर हमें जो हमने सेपरेट कॉर्नफ्लोर की स्लरी बनाई थी उसे हमें ऐड कर लेना है। एक हाथ से चम्मच चलाते जाएंगे और दूसरे से हम इसे ऐड कर लेना है। अब इसमें हमें 1 teaspoon वनीला एसेंस ऐड कर लेना है। फ्लेम को हमें मीडियम टू लो रखना है और इसे हमें लगातार मिक्स करते जाना है। देखिए तकरीबन 1.5 से 2 मिनट हो गई है और वनीला पुडिंग हमारा रेडी है। कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही रखनी है। अब इसे हमें लुकवार्म होने तक साइड में रखना है। अब पुडिंग को हमें इस तरह से पूरी ट्रे में पोर कर लेना है। इसे स्प्रेड करने के लिए मैं इस तरह से स्क्रैपर यूज़ करूंगी। मैं इसे स्क्रैपर से इस तरह से इसे पूरी ट्रे में स्प्रेड कर लूंगी। तो देखिए यहाँ पे ये रेडी है। अब इसे हमें 1 घंटे के लिए सेट होने के लिए साइड में रख देना है। आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हो। अब जब तक कि ये सेट हो हम इसकी फिलिंग के लिए क्रीम व्हिप कर लेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे 3/4 कप व्हिप क्रीम यूज़ करूँगी। अब इसे हम हाई स्पीड पर सॉफ्ट पिक्स आने तक इसे व्हिप करेंगे। देखिए यहाँ पे सॉफ्ट पिक्स आना शुरू हो गया है। अब इसमें हमें 3-4 ड्रॉप्स स्ट्रॉबेरीज एसेंस के ऐड कर लेने हैं। मैं इसमें स्ट्रॉबेरीज इमल्सन यूज़ करूँगी। इसे ऐड करके इसे हमें फिर से व्हिप करना है जब तक कि ये फुली व्हिप ना हो जाए। क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसे हमें वनीला पुडिंग पे इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। आप इसे डायरेक्टली भी कर सकते हो। अब इसे हमें स्क्रैपर की मदद से इसे हर तरह से इवनली सेट कर लेना है। अब इस पर हम स्ट्रॉबेरीज ऐड कर लेंगे। आप अपनी पसंद का कोई भी फ्रूट्स ऐड कर सकते हो। आप चाहो तो इस पर कीवीज, स्ट्रॉबेरीज, पाइनएप्पल, मैंगो या इसे आप प्लेन भी रख सकते हो, तो भी मज़े के बनेंगे ये रोल। अब इस तरह से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। मैं इसके 4 इक्वल पीसेस करूंगी, आप चाहो तो 6 भी कर सकते हो। अब इसे हमें हल्के हाथों से रोल कर लेना है। अब इस पर हम ऊपर से थोड़ा और डेसिकेटेड कोकोनट ऐड कर लेंगे और इसे डायरेक्टली ही सर्विंग ट्रे में इसे डिश आउट कर लेंगे। अब इसी तरह से हम सारे रोल को डिश आउट कर लेंगे। तो लीजिए बहुत ही क्विक और इजी टर्किश रोल रेडी है। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एवरीवन, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।